हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। देवेंद्र शर्मा जी हैं, कृषि विशेषज्ञ। डॉक्टर बीरपाल सिंह हैं, कृषि अर्थशास्त्री। और एमजे खान साहब हैं, चेयरमैन ICFA। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पिछले साल की तुलना में हमें इस बार अधिक उत्पादन हो सकता है, जो कि रिकॉर्ड उत्पादन होगा, 11.2 करोड़ टन की बात की जा रही है, लेकिन मौसम का भी फैक्टर है। हालांकि आश्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है कि मौसम को इस तरह से नहीं बदलने वाला है, 3 से 4 डिग्री बढ़ने की जो बात कही जा रही है वैसा शायद ना हो और फसल पर नुकसान ना हो, तो आपका क्या आकलन है, किस तरह से चीजें होती आप देख रहे हैं? और हमारे मेट्रोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि अगले 4-5 दिनों में टेम्परेचर पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। लेकिन यदि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है और किसान भाई यदि 2 दिन पहले अपने खेतों की हल्की सिंचाई कर दें तो उससे भी टेम्परेचर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी है। और किसान भाई, जैसे कि आपने बताया है 11.2 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के तुलने 50 लाख टन अधिक है जी। और ये जो अनुमान है ये हमारे एक IIWBR गेहूं और जो अनुसंधान संस्थान करनाल में है हमारा ICR का, वहां के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने इसका अनुमान लगा है कि गेहूं की पैदावार अब की बार इतनी होने जा रही है। और टेम्परेचर का, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम सभी सुन रहे हैं कि टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और देखो, देश के प्रधानमंत्री भी कितने चिंतित हैं। देखो, पहले ही लोगों के लिए पहले ही मीटिंग बुला रहे हैं, पहले ही लोगों को सचेत कर रहे हैं और पहले ही हमारे वैज्ञानिकों से भी पूछ रहे हैं कि किसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लग तो ऐसा रहा है कि गेहूं की पैदावार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। लेकिन जैसे कि आपने बताया है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि यदि किसान भाई हल्की सी सिंचाई कर दें और टेम्परेचर थोड़ा बहुत 31-32 के आसपास पहुंचता भी है तो उससे पैदावार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे हमारे मेट्रोलॉजिस्ट बता रहे हैं। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गेहूं की पैदावार पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, देवेंद्र जी आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पिछले साल हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था, जो तापमान में परिवर्तन हुआ था, असामान्य तापमान था, उसके चलते फसल उत्पादन पर असर पड़ा था और गेहूं का निर्यात भी हमें रोकना पड़ा, डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको भी कीमत का नजर देखते हुए हमने कई सारे कदम उठाए थे। इस बार आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आश्वस्त किया जा रहा है कि ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और पिछली बार की तुलना में हमने अधिक उत्पादन का लक्ष्य भी रखा है, लेकिन आपको लगता है कि मौसम एक ऐसी चीज़ है जिस पर तो किसी का नियंत्रण है नहीं, तो ऐसे में क्या 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 चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि भाई प्रधानमंत्री का ही इतना एक सबको एक बैठकर एक ओवरव्यू एक गेन करना और प्लस एक मैसेज देना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सराहनीय है, क्योंकि एक सारी प्रिपेयर्डनेस जो होती है सरकार में वो प्रधानमंत्री के लेवल पे अगर ये होती है तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाता है। एक बात तो ये स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपके पैकेज में बताया गया था, जो सीनियर साइंटिस्ट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बता रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि एक्चुअली मीडिया में अटकलें ज्यादा हैं कि टेम्परेचर बहुत हीट अप हो गया, वो हो गया, लेकिन जो असली सिचुएशन है वो 15 मार्च के आसपास ही जानी जाएगी। अगर टेम्परेचर उससे एक्सीड करता है तभी जाके हमें एक चिंता का विषय बनेगा। खैर, वो सब बातें ठीक है, लेकिन हम ये जाने कि पिछले साल जो हुआ था और जो अब इस तरीके से गर्मी देखी गई है कि हम जानते हैं कि स्प्रिंग का सीजन चला ही गया है, तो इसका मतलब साफ है कि भाई एक न्यू नॉर्मल आ गया है। और अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने IMD को आदेश दिए हैं, एक आदेश और होना चाहिए, मेरा सुझाव है वो ये है कि जब हम पूर्व अनुमान लगाते हैं मानसून का हर साल, आपको याद होगा मानसून की फोरकास्ट होती है अप्रैल मई में जाकर, फिर दोबारा फिर एक जब मौसम के शुरुआत में नजदीक में आके भी एक फोरकास्ट होती है, क्योंकि अब हीट वेव का प्रचलन हो गया है, मुझे लगता है कि एक जनवरी के मौसम में IMD को एक फोरकास्ट हीट वेव की भी करनी चाहिए, जिससे कि पूरी प्लानिंग हो सके और हम ये इकोनॉमिक भी सिचुएशन को देख पाए, भली भांति उसकी प्रिपरेशन कर पाए। तो एक तो जनवरी में एक अब हीट वेव का भी अनुमान होना चाहिए, पूर्व अनुमान बताना चाहिए उनको, कि किसानों को भी एक मैसेज दिया जाए, पॉलिसी मेकर्स को भी एक मैसेज दिया जाए। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल ठीक है कि आग लगती है और इसको इसको प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉरेस्ट फायर्स का। लेकिन जहां तक कि प्रोडक्शन की हम बात करें, सिर्फ गेहूं ही एक फसल नहीं है जिसपे असर पड़ता है। हम जानते हैं कि अभी जो प्याज का क्राइसिस है वो भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हीट वेव का हुआ है टेम्परेचर शूट अप करने से वो प्रॉब्लम है। तो ये मेरा मतलब कहने का कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम हम देखना
देखना चाहते हैं, और उसके ऊपर एक जो स्टेप लेने की जरूरत है सर, वो ये है कि जिस किसान को मार पड़ती है इन चीजों की, उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। एक तो ठीक है हमारी प्रिपेयरनेस की जरूरत है, लेकिन एक किसानों को कंपनसेट कैसे किया जाए। हम अक्सर किसानों का जो एक रोल है या उनको जो खामियाजा है पूरा करने के, वो तो हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ इस बात पे जोर देते हैं कि इन्फ्लेशन जो है ना बढ़े, लेकिन जब किसान को दाम कम मिलते हैं तो मैंने नहीं देखा कहीं मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई हो। देखो टेम्परेचर के लिए तो मॉनिटरिंग कमेटी है, लेकिन क्यों नहीं किसानों के लिए, जो आज आप देखते हैं कि देश में अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आलू हो, प्याज हो, टमाटर हो या और फसलें हो, तो ये जो ब्लड बाथ हो रहा है इसको कैसे एड्रेस किया जाए, हम किसानों के साथ कैसे खड़े हों, इसके ऊपर भी तो मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। ये भी मॉनिटरिंग जरूरी है जी। हमारे साथ एमजे खान साहब भी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन आईसीएफए के, आपका भी स्वागत है खान साहब। आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि मौसम परिवर्तन हुआ, अगर मान लीजिए कि ये एक ऐसा फेनोमेना है जिससे कोई भी बच नहीं सकता है, दुनिया भर में ये बात देखी जा रही है, तो हमें अपने आपको उसके हिसाब से ढालना होगा, क्या हमें अपनी तैयारी बदलनी होगी, हमें जिस तरह से हम अपनी फसलें बुआई करते हैं, क्या बुआई का सीजन बदलने की ज़रूरत है? जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहाँ पर तो नवंबर में जो है बुआई शुरू हो जाती है, तो यानी अब 15 मार्च के आसपास वहाँ पर आप मान सकते हैं कि फसल जो है पककर तैयार हो जाएगी, तो क्या थोड़ा और इसको पहले किया जाए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल भी हुआ, इस साल भी इस बार आशंका जताई गई, और चूंकि सरकार ने कहा कि हम सतर्क होना चाहते हैं, हम किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए फरवरी के चौथे सप्ताह में ही एक समिति भी बना दी गई थी सरकार की ओर से कि अगर तापमान बदलता है, बढ़ता है, तो क्या असर पड़ सकता है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखिए अखिलेश जी, क्लाइमेट चेंज अब सबके सामने है और इसमें कोई टेक्स्ट बुक की अब बात नहीं है। यूरोप में मैं 2 साल पहले था, कोविड से जस्ट पहले, एक दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था, जर्मनी में त्राई त्राई मच गया था, नेदरलैंड, फ्रांस, सब जगह वही हाल था, सऊदी अरब में बर्फ गिरना शुरू हो गया 3-4 सालों से। तो अब कुछ मेजर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म लेना है, और नेशंस को भी लेना है, और कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट्स इस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड हैं। जो शॉर्ट टर्म है उसमें ये है, और जो नेशनल लेवल की प्रायोरिटीज है उसमें कम से कम एक क्लाइमेट रिस्पांस का वार रूम स्टेट लेवल तक अब सेटअप करना लाजमी है, और तीनों तरीके के एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, और एक क्लाइमेट स्मार्ट। एडजस्टेड में यह है जिस तरीके वैगरीज ऑफ नेचर, उस हिसाब से कैसी फसलें हम पैदा करें और किन टाइमिंग में क्या बदलाव करें ताकि ऑप्टिमल प्रोडक्शन हम ले सकें इन फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर लेवल पे, या एक जो रेन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। रिजिलिएंट सिस्टम वो है जिसमें उसी टेम्परेचर लेवल पे विदस्टैंड कर सकें क्रॉप और बेहतर तरीके। स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम वो है जिसमें सारे फैक्टर्स को देखते हुए बेस्ट आउटपुट इन शॉर्टेस्ट टाइम पे और बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इनपुट से हम ले पाए। इसमें जरूरत है इस टाइम पे टेक्नोलॉजी की भी, क्योंकि हो क्या रहा है कि डिस्कशंस हो रही हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, लेकिन जो कलेक्टिव ग्लोबल फंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, वो अभी तक बाय एंड लार्ज इज लिमिटेड। दूसरा है इसमें कि फार्मर्स का बड़े स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फार्मर्स ट्रेडिशनली कर रहे हैं, उनको लग रहा है जो भी प्रोडक्शन आएगा कुछ दिक्कत आएगी तो सरकार देख लेगी, सरकार संभाल लेगी। करेक्ट। तो एक बड़े पैमाने पे फार्मर्स का क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और एक एडजस्टमेंट करें क्लाइमेट के चेंजिंग पैटर्न के साथ में, चाहे वो टेम्परेचर से हो, चाहे वो रेनफॉल से हो, या कोई और एक्सट्रीम सिचुएशन हो, उस पे जितने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस हो गए फार्मर्स के बीच में उतना ही बेहतर तरीके इसी से। में जो एक जानकारी अभी मिली है हमें, जो हमने दर्शकों से साझा भी की है, कि नई जो है बीज की किस्म उसको डेवलप किया गया, और ये कहा गया है कि 50% तक उस पर असर इसका नहीं पड़ेगा अगर मौसम तापमान बढ़ता भी है बदलता भी है। तो आपको लगता है कि इस तरह के और भी कदम उठाने की आवश्यकता है और इसको ज़्यादा प्रचलित करने की आवश्यकता है, देश भर में फैलाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर ये नई जो किस्म आई है बीज की इसको दिया जा सके। वो भी है, प्लस जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, उनमें जो ग्रीन हाउस का जो एक कवर्ड कंडीशन प्रोडक्शन सिस्टम है, मुझे लगता है बहुत कॉस्ट उस पर नहीं आनी, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, खास करके जो भारत सरकार का एग्री इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ का, उसको लिवरेज करके मुझे लगता है ग्रीन हाउसेस को या पोली हाउसेस को, या सिंपल जो 7-8 लाख रुपए 1 एकड़ में नेट हाउसेस लग जाते हैं, साल भर में 2 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाती है। अब फ्यूचर का यही पैटर्न होने जा रहा है, तो इसलिए बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या एंटरप्रेन्योर नए नए मॉडल्स आ सकते हैं, और फॉर्चुनेटली स्टार्टअप सिस्टम ने पिछले 2 सालों में 40,000 एकड़ के आसपास के ग्रीन हाउसेस लगा डाले हैं, तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोशन मिलेगा,
नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेगी और क्लाइमेट से चैलेंज से निपटने का भी एक कारगर तरीका होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। डॉक्टर बीरपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि हालात क्या आप देखते हैं, कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं मौजूद है, सरकार ने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, कहीं ऐसे हालात तो ना आ जाए कि हमें आयात भी करना पड़े, क्योंकि ये भी एक जो डिमांड है और जिस तरह का हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, 80 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है, तो उसके चलते कहीं ये हालात तो ना बन जाए, ऐसी इस तरह भी कोई आशंका है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार को ये सब तरह की बातें ध्यान में रखते हुए ही ये इस तरह के स्टेप ले रही है कि हमारे पास बफर स्टॉक है और उसको हम कितना किसानों में, सॉरी कितने, जैसे 80 करोड़ लोगों को आप बता रहे हैं कि परियर दे रहे हैं वो, और कितने लोगों को हम दे सकते हैं, उनको देने के बाद हमारे पास बफर स्टॉक कितना है, हम कितने दिनों तक, यदि हमारी पैदावार कम भी होती है तो हम अपने को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो ये सब सरकार को सोचना है और सरकार सोच भी रही है और ये देखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किसान का जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी IMD वालों की जो मीटिंग ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई हम किसान को भी कैसे सेफ रखें और ये पैदावार में भी हमारा कोई फर्क ना पड़े, किस तरह की हम वैरायटी निकाल लें ताकि ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी ज्यादा हमारी यील्ड पे ज्यादा फर्क ना पड़ पाए, ताकि हम अपनी यील्ड को भी मेंटेन कर सके हमारे अपने देश में। जैसे आपने कहा है कि इंपोर्ट करना पड़े, नहीं ऐसी हालत तो नहीं है, हमारे पास बहुत बफर स्टॉक है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार फिर भी चिंतित है और कर रही है, आप सबको मालूम है और सरकार देख रही है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी स्थिति ऐसी है। देखो जैसे कि आपने बताया है 11.2 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने वाली है और उसमें प्लस माइनस यदि थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होगा तो वो तब भी 50 लाख टन फालतू है पिछले साल से, तो प्लस माइनस होगा तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सरकार चिंतित है और सरकार, पहले सरकार को अपने देश के लोगों का पेट भरना है, फिर अपने नाइबर को ध्यान रखना है, अपने नाइबर को भी, जैसे कि आपको मालूम है हमने अपने नाइबर्स कंट्री को भी खाने के लिए गेहूं दिया है और यही सरकार का मेन लक्ष्य है कि हम खुद भी खाएं और दूसरों का भी पेट भरें, ताकि हम जनता का ध्यान रखें और जनता इस बात को बहुत वैल्यू देती है कि भाई देखो हमारा कंट्री, हमारा देश भारत इंडिया कैसे अदर कंट्री का भी ध्यान रखना है, अपना तो रख ही रहा है और दूसरे कंट्री को भी यूं दे रहा है ताकि वहां के लोगों को भुखमरी ना हो सके। जी देवेंद्र जी, आपको लाना चाहूंगा इसी सवाल पर, जो वैश्विक परिस्थिति बनी है यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से और जिसके चलते दुनिया भर में गेहूं का संकट एक तरह से खड़ा हुआ। शुरुआत में तो भारत को एक ही अवसर के तौर पर लगा कि शायद इससे जो है विदेशी मुद्रा वो कमाई जा सकती है और बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया गया, लेकिन जब घरेलू पड़ताल की गई, स्टॉक की, बफर स्टॉक की बात की गई, उसके बाद फिर भारत को ये लगा कि शायद एक्सपोर्ट जो है करना वो ठीक नहीं होगा, रोका गया। और उसके बाद जब यहाँ कीमतें बढ़ी हैं तो कुछ रिलीज भी किया गया मार्केट में, उसके बाद कीमतों पर नियंत्रण पाने में सरकार को कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक एम्बिशियस टारगेट है, ये कहा गया कि 3.5 करोड़ टन गेहूँ इस बार सरकार खरीदेगी 11.2 करोड़ टन के उत्पादन में से, आपको लगता है कि ये पर्याप्त है अपने बफर स्टॉक की का जो स्तर है उसको बनाए रखने के लिए? देखिए पिछले साल का अगर हम एक्सपीरियंस से देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस बार शायद हमने सबक लिया होगा उससे और हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। मैं गलती इसलिए कह रहा हूं कि जब यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी और जब ये यहाँ पर हीट वेव का भी उसमें पैरेलली ही हमने देखा था इम्पैक्ट पड़ा था, तो उस समय एक देश में एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था, हमारे देश के इकोनॉमिस्ट ये कहने लग पड़े थे कि हम दुनिया के अन्नदाता बन सकते हैं, हमें हर चीज जो है, हर दाना जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहिए, और वो एक नैरेटिव जब बन रहा था, मुझे याद है एक प्राइवेट कंपनी ने ये भी कहा था कि हम 21 मिलियन टन तक हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मैंने उस समय भी कहा था कि ये बहुत गलत होगा कि अब अगर हम बिल्कुल अनब्रिडल्ड एक्सपोर्ट जो है देश से अलाउ करें, क्योंकि हो सकता है कि अगले साल हम भी कटोरा लेकर विश्व के व्यापार में, व्यापार के बाजार में खड़े हो जाएंगे। और अच्छा हुआ कि सरकार ने एक स्टेज पर आके उसको रोका, उसके ऊपर बैन लगाया, फिर आटे के ऊपर भी बैन लगा, ताकि हम देश की रिक्वायरमेंट को समझ के हमने अपने आप को उसको मैनेज करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि वो गलती पिछले साल वाली हम इस साल ना दोहराएं, और दुनिया के जैसे आपने कहा परिप्रेक्ष्य में आज जितना क्राइसिस है हम जानते हैं, सब कंट्रीज जो है बाय एंड लार्ज प्रोटेक्शनिस्ट हो गए हैं, अपना अपना अनाज बचा के रख रहे हैं, हमें भी अपना अनाज बचा के रखना है, हमें बल्कि एक साल के लिए नहीं, मेरा मानना है कि कम से कम 2 साल रखें। लेकिन प्रॉब्लम एक सोच का भी है अभिलेख जी, आप देखें कि जब एक चर्चा हो जाती है कि हमारे पास 100 मिलियन टन पड़ा है चूहे खा
रहे हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और जैसे देखा आपने लॉकडाउन हुआ तो वो सारे का सारा अनाज हमारे देश के अपने ही उसमें सेवा में या गरीब लोगों को उपलब्ध कराने में कितना सहयोगी हुआ। वरना हमारे पास दो पेंडेमिक होते, एक तो पेंडेमिक होना ही था कोविड का, दूसरा भूख का भी होता। तो समझने की जरूरत है कि हमारे देश में पता नहीं क्या कारण है कि हमारे इकोनॉमी सोचते हैं कि जितना स्टॉक पड़ा उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये पिछले साल जो हमने स्टेप लिए हैं वो मुझे लगता है कि अब आगे से हमें बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा, एक। लेकिन दूसरी बात एक और भी है, जब हम प्राइसेस को गिराते हैं मार्केट में तो किसान को नुकसान होता है। ये ठीक है कि आप देख रहे हैं कि भी आने वाले दिनों में जो इन्फ्लेशन का ज्यादा वो जो ग्रोथ जो है या बढ़े ना, लेकिन आप किसान की भी तो बात देखिए, उसको जब प्राइसेस मिलने शुरू होते हैं तो हम इंपोर्ट करते हैं या ड्यूटीज कम करते हैं, जिससे कि करके हम देखते हैं किसान को। और शायद देवेंद्र जी उसके पीछे सोच होगी कि हम पाकिस्तान जैसे हालात नहीं बनने देना चाहते अपने देश में, जहां पर कि आटा जो है वो इतना महंगा हो गया है, मिल नहीं रहा है लोगों को, लोग उसके लिए मारामारी कर रहे हैं। उसके लिए एक रीजन ये भी है कि वहां की प्रोडक्शन अगर इम्पैक्ट होती है तो वहां पर मारामारी होगी। अगर हमारे देश में भी प्रोडक्शन इंपैक्ट होती है तो यहाँ भी तो क्राइसिस आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि हमें किसानों को तो एक एक पूरा एनवायरनमेंट देना है, उसको उसका असली इनकम मिले या उसको असली प्रॉफिट मिले, वो भी तो हमने एश्योर करना है ना, वो भी तो हमारा दायित्व है। बिल्कुल, तभी तो हम ये मानेंगे कि किसान तभी पैदा कर पाएगा जब उसको एक प्रॉपर एक इनकम की सपोर्ट मिलती है। तो हमें दोनों चीजों को देख के चलना है। लेट अस नॉट बी इन ए कंसर्न कि भाई सिर्फ हमें इन्फ्लेशन को ही देखना है, लेकिन किसानों की इनकम नहीं बढ़ रही है, ये हम सब जानते हैं कि कितने सालों से हम इस बात को करते आ रहे हैं कि किसान की इनकम नहीं बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये सोच के चले कि टेक्नोलॉजी अलोन इज द आंसर, वहां भी कुछ बहुत सारी कमियां हैं। हमें देखना चाहिए जैसे कि अब मिलेट्स की हम बात करते हैं, मिलेट्स एंशियंट ग्रेन है, हम जानते हैं कि न्यूट्रिशियस ग्रेन है, लेकिन जब उसकी हाइल्डिंग वैरायटी हम इवॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि हाइल्डिंग वैरायटी जब डेवलप करते हैं तो न्यूट्रिशन कम होता है। तो अगर हम न्यूट्रिशियस क्रॉप जिसको लेके आ रहे हैं उसी को हम अगर हाइल्डिंग वैरायटीज के चक्कर में आ जाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप देखेंगे न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, फिर क्या फायदा हुआ न्यूट्रिशियस को लाने का। तो ये सब चीजें पॉलिसीज के डिजाइन के अंदर आनी चाहिए जिसमें साइंटिस्ट भी हों, सिविल सोसाइटी के भी लोग हों और सारा एक सोसाइटी का एक बेनिफिट देख के हम उस प्रोग्रेस को और उस काम को आगे लेके चले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर की तरफ हमें बढ़ना है। और क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर का मतलब है कि हमारे देश में बहुत सी ट्रेडिशनल नॉलेज या बहुत सी नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हम उसका प्रयोग करें, वो भी एक तरीका है। बिल्कुल, इसीलिए इसी जी बिल्कुल इसी दिशा में खान साहब ने भी कई सारे सुझाव अपने वक्तव्य में दिए थे। जाते आते आपसे एमजे खान साहब ये समझना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले 2 या 3 महीनों में भारत की तस्वीर, जहाँ तक कि गेहूँ उत्पादन का प्रश्न है, क्या हम अपनी जो घरेलू जरूरत है उनको पूरा करने में सक्षम होंगे, जो रिकॉर्ड उत्पादन का हमने लक्ष्य रखा है क्या हम उसे प्राप्त कर पाएंगे? मुझे लगता है थोड़ा सा एम्बिशियस लक्ष्य है, 4.5 मिलियन टन ज़्यादा जो इस साल एक्सपेक्ट कर रही सरकार, शायद 110-111 मिलियन टन पहुंच जाए तो बहुत संतोषजनक बात होगी। क्योंकि जहां पे अभी मिल्किंग स्टेज पे ग्रेन का फॉर्मेशन है वहां इतना टेम्परेचर जरूर थोड़ा इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट में नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन 1-2% का अगर ड्रॉप भी हुआ तो 1-2 मिलियन टन अफेक्ट कर देगा। लेकिन देश की फूड सिक्योरिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट का जो एक कोटा है उस पर जरूर रिलुक करने की जरूरत है कि कितना अलाउ किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में कहना चाह रहा हूँ कि ब्रॉड बेसिंग करना जरूरी है प्रोडक्शन सिस्टम को। अभी क्या हो रहा है, कुछ क्राफ्ट कुछ रीजन में ही ग्रो हो रही है, गुंजाइश है एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कि उनको किसानों को प्रैक्टिस समझा के थोड़ा ब्रॉड बेसिंग करा सकते हैं, जैसे मिलेट्स नॉर्थ इंडिया तरफ आ सकता है, वीट थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ अफ्रीका रिमेन्स लार्जली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, वहां पे प्रोडक्शन आउटसोर्स अगर करें हम ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में फायदा लेंगे। फाइनली निकरा जो है अभी नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्रॉप रिजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर, निकरा अभी जो है साइंटिस्ट के बीच डिस्कशन का, इट हैज नॉट रीच इवन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज विच इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फॉरगेट अबाउट फार्मर्स लेवल। इसके रिकमेंडेशंस के, इसके वर्क को और जो इनोवेशन आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ले जाने की जरूरत है, सो दैट वी एज ए नेशन एक्चुअली द प्रैक्टिशनर द इम्प्लीमेंटर द फार्मर्स आर रेडी टू अडॉप्ट इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, एमजे खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।